गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आना रहती है वो रात का माहौल बहुत रोमांटिक कर देती है, जिसमें वो एक गाना गाती है और गाना गाते गाते वो कृषा को अपने बेडरूम पर लेकर जाती है और उसके साथ लवी डवी मोमेंट्स बिताती है। और जब वो मोमेंट्स बिताती है वो बहुत डीपली बिताती है। उस टाइम पर ना कृषा उसे रोकती और ना आहाना रुकना चाहती थी, और दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आकर अपने आप को एक दूसरे के हवाले कर देते हैं। ये कह सकते हैं वो दो जिस्म एक जान बन जाते हैं। और जब वो रात में जब कृषा उसे बोलती है, देखो प्यार तो मैं तुमसे बेहद करती हूँ और हमेशा करूँगी और तुम्हें सारी प्रॉब्लम से बचाऊँगी, लेकिन हमारे बीच में जैसा रिलेशन तुम्हें चाहिए, शादी, फ्यूचर, वो नहीं हो सकता है। तो जिस पे आहाना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर वो उसको किस कर देती है और किस करते हुए बोलती है अब ये सारी बातें भूल जाओ। अब उसके आखिर मॉर्निंग का टाइम रहता है, जब मॉर्निंग का टाइम होता है 8 o'clock होता है, तो 8 o'clock बजते टाइम कोई डोर के बाहर जम जम के टैप करने लगता है, जम जम के कर रहता है। तब आहाना और कृषा की एक दूसरे से नींद खुलती है, वो दोनों होश में आते हैं। तब वो देखते हैं कि कोई टैप करे जा रहा है, तभी आना चाहती कौन है, तो वहाँ से एक प्यारी सी स्वीट सी वॉइस आती है और वो होती है कि बेटा मैं हूँ तुम्हारी मम्मा, तुम क्या कर रहे हो, अभी तक तुम उठी नहीं हो क्या। तो कहती है मम्मा, तो कहती है हाँ मम्मा मैं उठती हूँ। यहाँ पर भी कृषा उठ चुकी रहती है। कृषा उठती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम आ गई है। तो कहती है कि हाँ शायद से मॉम एंड डैड आ गए, वैसे एक दिन बाद आने वाले थे, अभी आ गए। कृषा चलो चलो जल्दी से उठते हैं। तो वो कहती है ओके। तो तभी आहाना उसके पास उठ रही रहती है, तो आहाना एकदम से कृषा की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या। तो कृषा बोलती है कि कुछ नहीं। तो आहाना उठ के बोलती है कि कृषा आई लव यू। तो कृषा चुप रहती है, फिर आहाना बोलती है आई लव यू कृषा। तो वो कुछ नहीं बोलती है। फिर वो उसके चेहरे को अपने पास करती है और लिप किस करती है। और यहाँ पर जैसी वो लिप किस करती है तो लिप किस बैक भी होता है, और जिसमें कृषा भी उसे लिप किस करते हुए बोलती है आई लव यू टू स्वीट हार्ट। बट तो वो कहती है तुम्हारा बट कभी ख़त्म नहीं होता है कृषा, अभी जल्दी उठो, तुम्हारा बट बाद में सुनूंगी मैं, चलो चलो जल्दी से रुक जाओ मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और ऐसे जाकर आहाना बहुत जल्दी जाती है और फ्रेश हो जाती है। फ्रेश होती है और कृषा को बोलती है तुम आराम से फ्रेश हो जाना, इतनी जल्दी नहीं है, मुझे जाने दो जल्दी से। तो यहाँ पे ये कृषा ये देखती है कि मम्मी के आने पे वो इतनी जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में कैसे उठी। अगर मम्मी की जगह दादी होती है, कोई भी होती, तो इतनी जल्दी हड़बड़ाहट पना नहीं करती है, पर यहाँ वो बहुत जल्दी करती है। फिर एकदम से भागते हुए जाती है। कृषा यहाँ से आराम से तैयार होती है, चीज़ें करती है, अपनी पूरे बैग्स पैक करती है, और करीब 1 घंटे के बाद वो घर नीचे उतरती है। जब वो नीचे उतरती है तो वो स्टिक के थोड़ी सी हेल्प पे उतर रही थी। आहाना जो होती है वो ब्रेकफास्ट के टेबल पे बैठी रहती है, अपने डैड से कुछ बातें कर रही थी कि कैसे रही उसकी ट्रिप। तभी वो कृषा को उतरते हुए देखती है, तो वो अपना ब्रेकफास्ट साइड में रखती है और कृषा का हाथ पकड़ती है। और ये देख कर वहाँ पर सुगंधा जो रहती हैं बॉम, वो देख के थोड़ी शॉक्ड हो जाती हैं। तभी वो कहती हैं कि ये कौन है हमारे घर में आहाना। तो वो कहती है हाँ मॉम एंड डैड, मैं आपको मिलवाना ही भूल गई, यह है कृषा मेरी दोस्त, कृषा माय मॉम एंड डैड। तो वो सबसे पहले बोलती है नमस्ते अंकल और हेलो आंटी। तो वो बोलते हैं, जब कृषा सुगंधा को देख रही थी तो वो बहुत तीखी नज़रों से देख रही थी, और सुगंधा भी उसे काफ़ी ज़्यादा तीखी नज़रों से देख रही थी, जैसे कि इन दोनों की आंखें ही बहुत कुछ कह रही हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो वहाँ बैठते हैं, तो आहाना बोलती है कि बैठो कृषा। तो कृषा बोलती है नहीं नहीं एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है, मुझे आज ऑफिस भी जाना है और मेरे पैर में लग गई थी, इस वजह से मैं इतने दिन से नहीं जा पाई थी। तो आहाना तुम करो, मैं जाती हूँ, मैं कैब बुक करके ऑफिस के लिए निकल जाऊँगी। तो कहती है क्यों कैब बुक क्यों करना है, अन्ना अंकल छोड़ देंगे। तो दादी भी बोलती है वहाँ से हाँ बेटा तुम्हें कैब क्यों बुक करना है अन्ना। तो अन्ना आते बोलते हैं हाँ कृषा को छोड़ देना, और रुको मैं भी चलूँगी छोड़ने के लिए कृषा को। तो वो कहते हैं नहीं नहीं तुम अपने मॉम एंड डैड के साथ टाइम स्पेंड करो, क्या है।
तो वो कहते हैं अरे तुम दोनों छोड़ो, दादी वहां से बोलती है बैठो पहले तुम ब्रेकफास्ट करोगी फिर जाओगी। तो कहती है नहीं नहीं दादी मुझे लेट हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं नहीं पहले ब्रेकफास्ट करो, लेट भी हो जाए जो भी हो जाए हम बात कर लेंगे, तुम बैठ जाओ। तो वो दादी की बात को कभी नहीं टालती थी कृषा, क्योंकि दादी की बात उसे दिल को छूती थी, इसलिए वो बैठ जाती है और कर रही रहती है। वहाँ सामने सुगंधा भी बैठती है, पूछती है आपको क्या चाहिए। तो वो कहती है कि सैंडविचेस चलेंगे, तो वो सैंडविचेस लेती है और आहाना बाजू में बैठी है। तभी कृषा बोलते कि बेटा तुमने हमें अपनी दोस्त के बारे में कभी कुछ बताया नहीं, जहाँ तक मुझे पता था अंजलि है और निधि रहती है तुम्हारी दोस्त, अविनाश और विक्रम यही ग्रुप था ना। और तो तभी सुगंधा बोलती कि और ये तो मुझे एक ऑफिस जाने वाली बोल रही है, इट्स मीन्स तुम्हारी इतनी बड़ी दोस्त कब से बन गई आहाना। तभी बोलते कि पापा मामा कितने सारे सवाल एक साथ। आहाना मुझे जोधपुर में मिली थी, पापा याद है जब मुझे फीवर हो गया था तब, मतलब मुझे पैर में चोट लग गई थी, तब आपने बोला था ना कि मैं किसी को भेजता हूँ। तो कहते हाँ हाँ तब तो आपसे जिसने बात करी थी वो कृषा ही थी। तो कृषा बोलते हैं अच्छा बेटा आप थे जिसने इसको पूरी हैंडल किया। तो कहती है कि हाँ, और आपको पता है पापा, आपको तो पता है मुझे चोट लग जाती है तो मुझे फीवर आ जाता है, तो मुझे इतना भयंकर फीवर आ गया था पापा, इतना भयंकर कि वहाँ के डॉक्टर्स ने भी मतलब हाथ खड़ा कर दिए थे। तो उसके पापा कहते हैं तो तुम बता नहीं सकती थी। वहां से दादी बोलती है तुमने बताया क्यों नहीं, और वहां से यहाँ से सुगंधा भी बोलती है तुमने बताया क्यों नहीं हमें। तो कहती है कि पापा क्या बताती वो, फिर आप लोग थोड़े से पैनिक हो जाते और मैं थोड़ी होश में भी नहीं थी। तो बोलते तुम्हारे दोस्तों ने भी नहीं बताया। तो वो बोलते हैं कि हाँ वो अविनाश ने आपको शायद से फोन किया था। तो कहते हैं हाँ उसने बोला था अभी वो ठीक है, बस इतना ही बोला था, लेकिन इतना नहीं बताया था कि तुम्हें इतना ज्यादा फीवर आ गया है। तो कहते हैं कि हाँ, और उस समय पापा मुझे फीवर में से पूरा निकाला कृषा ने था। तो कृषा इज वेरी नाइस गर्ल, वो बैंगलोर में है एंड शी इज अ आर्कोलॉजिस्ट, और ये बहुत अच्छी नेचर की है और बहुत समझदार भी है, और मुझे इतनी बार प्रोटेक्ट किया पापा। तो तभी उसकी मम्मी कहती कितनी बार प्रोटेक्ट किया बेटा, मतलब मैं समझी नहीं। कहते कि मैं तो रेड फोर्ट, वो सॉरी वो किला था, कौन सा फोर्ट था, जोधपुर का फोर्ट था, तो जोधपुर के फोर्ट से गिरने वाली थी मैं, तो वहाँ पर मैं ऑलमोस्ट गिर गई थी, मुझे वहाँ से खाई से मतलब बचाया भी कृषा ने। उसके बाद मेरे पैर में चोट लग गई थी पापा, उसके बाद ना एक कार मुझे ठोकने के लिए आ गई थी पापा, मेरा कार से एक्सीडेंट होते होते कृषा ने मुझे बचाया। तभी सुगंधा कहती तो वो तुमने बचाया था। तभी यहाँ से तीखी नजरों से कृषा देख के बोलती है आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप खुश नहीं हैं कि आपकी बेटी बच गई, ये तो अच्छी बात है ना। तो तभी सुगंधा एकदम से बोलती नहीं नहीं मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ, ऑफकोर्स मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी को किसी ने बचाया, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो कहते हैं हाँ अच्छी बात है, तो कहते और तुमने मुझे ये सारी बात बताना जरूरी नहीं समझा। तो कहती पापा जोधपुर से मैं जब आई उसके शाम को आपको मनाली जाना पड़ गया, और आप चले गए दादी को बता के, मैं आपसे सारी बातें कब करती, और उस ड्यूरेशन में मैंने ही कृषा को ठोक दिया था, और ये जो पैर में उसको चोट लगी है वो मेरी वजह से लगी है। बेटा आई एम रियली सॉरी तुम्हें आहना की वजह से चोट लगी। तो कहती कोई बात नहीं, आहना ने ट्रीटमेंट भी करवा ही दिया था और चोट नहीं लगी थी एक्चुअली, ना आहना की गलती थी ना किसी की। हुआ ऐसा था कि सर एक्चुअल में कुछ अजीब सा नहीं है, आपको नहीं लगता। तो वो कहते हैं कि क्या मतलब, मैं कृषा समझा नहीं। तो कहती है कि सॉरी टू इंटरफेयर इन योर फैमिली मैटर, बट मुझे कुछ चीज़ें ठीक सी नहीं लग रही है। आई मीन आहाना को ऑल टाइम कोई ना कोई चोट पहुंचाने के लिए बैठा ही रहता है, और आपकी प्रोटेक्शन भी इतनी खराब है। तो वो कहते हैं मतलब, उस दिन जब आहाना मुझे ऑफिस के लिए छोड़ने जा रही थी, मुझे तो उसने बोला था कि मैं वो मुझे कार से छोड़ देगी, तो कार के ब्रेक फेल्स थे, और
कार सर्विसिंग से जाकर आई थी, और ब्रेक फेल कैसे हो सकता है सर? या तो कोई इंटेंशनली ब्रेक फेल कर रहा था या क्या था, उसी ड्यूरेशन में मेरे ये लेग पे कुछ ज़्यादा ही झमके लग गई। तो ये भी कुछ अलग नहीं है। और कल जब मैं आहाना के साथ बाहर गई थी, तो जो बॉडीगार्ड आपने अपॉइंट किया था इसके लिए, वो बॉडीगार्ड खुद ही आहाना को मार रहा था। तभी वहाँ से वो बोलते हैं, अन्ना इधर आओ। तो अन्ना आके बोलते हैं कि हाँ हाँ जी सर बोलिए। कहते वो क्या बात करो, वो बॉडीगार्ड मार रहा था? तो कहते कि हाँ, वो कल ही मैडम को ना छत, मतलब वहाँ से वो पार्किंग लॉट से गिराने की कोशिश कर रहा था। अगर कृष्णा मैडम नहीं होती तो कुछ भी हो सकता था सर। तो तभी सर एकदम से गुस्से से अपने हाथ में स्पून रहता उसको नीचे गिरा दिया। तुम क्या कर रहे थे अन्ना, तुम मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते हो क्या? तो कहते सर मैं ध्यान पे था। तभी वो कहती है कि सर इतना गुस्सा करके फ़ायदा नहीं है, आप उस इंसान को क्यों चिल्ला रहे हैं? यहाँ पर आपको ऐसा इंसान रखना चाहिए आहाना के पास, जो उसके साथ रह सके, जिसके साथ आहाना भी खुशी खुशी रहना चाहे, और शायद वही इंसान उसे काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। क्योंकि मुझे तो हालात उसके ऑल टाइम इस तरीके से दिखते हैं। पहले जब मैं इसे जोधपुर में मिली थी तो मैंने कहा था, ओ ये तो बच्ची है, ज़रा खुद का ध्यान नहीं रखती है। बट ये बच्ची के पीछे इतने लोग पड़े होंगे, ये मुझे नहीं पता था। सो सर आपको मेरे ख्याल से थोड़ी सी प्रोटेक्शन बढ़ानी चाहिए। तभी सुगंधा बोलती है, हमें पता है हमारी बेटी का ख्याल कैसे रखना है, और हम प्रोटेक्शन बढ़ा देंगे, तुम्हें उस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी आहना ये सुनती है तो कहती है, मॉम वाई यू आर सो रूड विथ हर, यू शुड बी थैंकफुल टू हर कि वो ऑल टाइम मुझे बचाती है और आपकी बेटी को बचाती है, आपको तो खुश होना चाहिए। तो कहती है, ओ माई स्वीट हार्ट, माई डार्लिंग आहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये हमारे फैमिली मैटर है ना, इसलिए। तो कहते हाँ तो फैमिली जैसी ही तो है कृषा, मेरी दोस्त आपकी फैमिली जैसी नहीं है क्या पापा? तो कहते नहीं बेटा, ऐसा मैंने नहीं बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो खुशी होगी कि अगर कृषा हमारी फैमिली मेंबर जैसी हो। बेटा मैं तुम्हारा एहसान कितना है मैं भूल, मतलब कम ही नहीं कर सकता हूँ। वैसे आप आर्कोलॉजिस्ट हो? तो कहती है कि हाँ मैं आर्कोलॉजिस्ट हूँ, बट मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी की है, और मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की भी है, और मैं फ्रीलांसर में इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करती हूँ। मतलब ऐसा गवर्नमेंट जॉब तो मेरी आर्कोलॉजिस्ट है, बट ऐसा मैं फ्री इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी हूँ। तो आहना एकदम से देखती है कृषा की तरफ, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें इंटीरियर डिज़ाइनिंग आती है? तो वो कहती है, तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। तो कहती है, अरे तुम्हें पता है मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ, और मुझे कोर्स करना है। एक्चुअली दादी आपको बताया था ना मैंने एडमिशन ले लिया है? तो दादी बोलती हाँ ऐसा लिया तो है एडमिशन, मुझे बोली तो। तो कहती हाँ तो तुम मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिखाओगी कृषा? तो वो कहती है कि मतलब सिखाना क्या है, वो तो तुम मेरे साथ काम करोगी तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा चीज़ें। तो वो अपने पापा की तरफ बोलती, पापा प्लीज़ मुझे कृषा के साथ इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखने दीजिए। तो तभी एकदम से कृषा कहती है, देखो मेरी ना फ्रीलांसर है और एक बहुत छोटी सी फर्म है, मतलब वो फ्रीलांसर है, हम कुछ 3-4 लोग मिलके ये सारे काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं तो एक आर्कोलॉजिस्ट ही हूँ, तो ये मेरे को अच्छा लगता था इसलिए मैं ये साइड में करती हूँ, बट तुम मुझसे क्या सीखोगी कृषा? तभी आहना जो होती है वो कृषा के लेग पे, मतलब थाई पे हाँकती है, उसको जोर से दबा के कहती है, और उसके थोड़ा करीब आके बोलती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और वो साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ कृषा, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो एक बहाना है, एक्चुअल में पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना है। तो कृषा कुछ नहीं बोलती हैं, तो वो बोलती, पापा बोलो ना आप। तो बोलते हैं, ठीक है तुम्हें लगता है तो तुम कर लो, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी के पीछे वैसे इतने लोग पड़े रहते हैं, और मैं ऐसे कैसे दे दूं, मतलब उसने बोला ना उसका फ्रीलांसर है, उसका कोई फर्म भी नहीं है, तुम्हें इंटर्नशिप करनी है तो यहाँ से बेस्ट फर्म है मैं तुम्हें उस फर्म में डाल दूंगी, तुम उस फर्म में जाओ, मेरी दोस्त है बहुत सा इंटीरियर डिज़ाइनर, उसके यहाँ वहाँ पर इंटर्न कर लो, इंटर्नशिप उनसे सीख लो काम, क्यों तुम्हें कृषा के साथ करना है?
तो तभी वो अपनी एकदम से सर झुकाकर बोलती है, पापा कृषा, दादी कृषा। तो तभी कृषा बोलती है, एक बात बोलूँ, तुम्हारी मॉम सही कह रही हैं, इट्स ऑल रिलेटेड टू योर करियर, एंड मेरे पास अभी कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी? अगर कोई प्रोजेक्ट होता तो मैं तुम्हें पक्का सिखाना पसंद करती, बट अभी तो है नहीं, तुम्हें अपनी मॉम की बात को सुन लेना चाहिए। यहाँ पे आहना को गुस्सा आ रहता है कृषा पे, तो वो कहती है, पापा पापा सुनो ना, वो मम्मी का न्यू न्यू लॉन्च हो रही है ना, मम्मी आपका न्यू लॉन्च हो रहा है ना, वो हॉस्पिटल, वो क्या बोलते हैं, न्यू होटल रिसोर्ट आपको लॉन्च करना है ना। तो कहती है कि हाँ, जो मम्मी के नाम पर है, आपने वो बैंगलोर के वो पॉश एरिया में नहीं खोला है? तो कहते हैं हाँ हाँ बेटा मुझे पता है, क्या उसमें, क्या उसमें भी तो इंटीरियर करवाना है, तो मम्मा कृषा इंटीरियर वहाँ का कर देगी और मैं आपकी नज़रों के भी सामने रहूँगी और कृषा के साथ भी वहाँ पे काम कर लूँगी और सीख भी लूँगी और आपकी कंपनी में वो इंटीरियर भी हो जाएगा, हाउस दिस प्लान? तो उसके पापा बोलते हैं, ब्रिलियंट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी दादी बोलती, हाँ हाँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी बहाने कृषा को काम भी मिल जाएगा, आहना उसके साथ भी रह लेगी और सुगंधा तुम्हारी तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी बेटी भी रहेगी। हाँ सबसे सही काम है, मुझे भी ऐसा लगता है। तभी वो एकदम से बोलती है, नहीं दादी, जो सुगंधा की मॉम कहती है, नहीं दादी, क्योंकि मेरी मेरी होटल बन रही है और मेरी होटल्स मतलब मेरा जो रिसॉर्ट बन रहा है, उस रिसॉर्ट में मुझे प्रोफेशनलिस्ट इंटीरियर्स चाहिए, मैं ऐसे फ्रेशर्स को नहीं दे सकती हूँ, मेरा इंटीरियर शुड बी गुड होना चाहिए, एकदम अच्छा इंटीरियर होना चाहिए मुझे, मतलब ऐसा ऐरा गैरा इंटीरियर नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि अरे मतलब ऐरा गैरा इंटीरियर की क्या बात है। तो वो कहती है, आप मेरे काम को बिना देखे ही आप जज कर रही हैं, मिसेस शेट्टी। तो सुगंधा बोलती है, कॉल मी सुगंधा। तो कहती है, सॉरी मिसेस शेट्टी, ये नाम ज़्यादा बेटर है, मैं आपको सुगंधा नहीं बुला सकती हूँ और ना मैं आपका नाम ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। तो मिस्टर शेट्टी, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं निकलती हूँ और मेरे ख्याल से मिसेस शेट्टी को कोई और अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर ढूंढना चाहिए जो उनके फर्म को अच्छे से कर सके। एंड तभी वो जाके खड़ी हो जाती है और वहाँ से आहाना थोड़ा सा रूठ जाती है और आहाना बोलती है, मॉम दिस इज़ नॉट फेयर। तो कहती, तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे पता है क्या सही और क्या गलत है तुम्हारे लिए। तो यहाँ से जो जा रही रहती है, यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है, कृषा यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है और अन्ना बोलते हैं कि मैं, तभी वो बोलते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है, मैं जा रही हूँ उसे छोड़ने के लिए। तो कहती है, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहाँ बैठो। और कृषा वहाँ से अन्ना के साथ बैठ के ऑफिस के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकलती है, तब वहाँ पर उसे कॉल्स वगैरह मैसेजेस मतलब ऑफिस से आने लग जाते हैं। सचिन भी बोलता है कि क्या तुम आ रही हो? तो सचिन को वो बोलती है कि हाँ आ रही हूँ। तभी वो बोलती है कि सचिन, मैंने तुम्हें बोला था कि इंस्टाग्राम पे एक फेक पेजेस होना चाहिए जिसकी सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो मैंने तुम्हें फेकिज्म बोला था, हैकिंग के थ्रू कराने के लिए बोला था, वो हुआ है कि नहीं? तो बोलता है कि हाँ मैंने पेजेस वगैरह कर दिए हैं और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का पेज भी कृषा इंटीरियर्स करके रखा है। तो कहते ओके फाइन, और चीज़ें हैं, तुम टेंशन मत लो, बाकी सब कुछ हो चुका है। और हाँ उसके रिव्यूज़ वगैरह गूगल्स पे भी मैंने रिव्यूज़ वगैरह अच्छे से डाल दिए हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से करा लिया है एंड एवरीथिंग इज़ डन, पर हमारा प्लान क्या है? तो कहती है, प्लान बहुत सीधा साधा है, बस ऑफिस आकर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तो वो कहती है ठीक है। अन्ना वहाँ से बैठे रहते हैं, अन्ना बोलते हैं कि मैडम आप बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर हो आहना मैम को लेके। कहती है कि हाँ आहना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट मुझे यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं, मुझे देख के ऐसा लगता है कि आहना को कोई सिक्योरिटी कुछ मिलती ही नहीं है। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आहना की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो कहते सुगंधा मैम की, वही देखती हैं सब कुछ। तो कहते हैं अच्छा ठीक है ओके।
ऐसे क्या कि यहाँ पर जो आना होती है वो बहुत ज़्यादा रूठ जाती है और वो कहती है कि नहीं मम्मा, दिस इज़ नॉट योर बिहेवियर। एंड कृषा एक अच्छी है, मैंने उसे काम करने का तरीका देखा है, वो बहुत प्रोफेशनलिस्ट वे में काम करती है। पापा, आपको पता है कि वहाँ पर जो महागण फोर्ट है और जो वो पैलेस है जोधपुर में, वहाँ के काम के लिए कृषा को भेजा गया। वो तो उनका इतना पुराना पैलेस है, उसके काम के लिए, उसकी चीज़ों को करने के लिए, और वो बहुत प्रोफेशनलिस्ट है। मैंने उसका काम देखा है पापा, वो पापा बहुत अच्छा काम करती है। पापा प्लीज़, मुझे उसके साथ रह के सीखने को बहुत मौका मिलेगा। ऑल टाइम मेरे पचकाने दोस्त हैं। और आप भी हमेशा से बोलते थे ना कि तुम्हारे ऐसे दोस्तों से तो बेटर है दोस्त ना हो, एक दोस्त ऐसा चुनो जो अच्छा दोस्त हो, यही बोलते थे ना पापा। अब जब एक अच्छा दोस्त मिला है, एक अच्छा इंसान मिला है जो मेरी केयर करता है, जो मेरे लिए ऑल टाइम अवेलेबल है, जो मेरे को हर मुसीबत से बचाती है, जो मेरे लिए इतनी प्रोटेक्टिव है, वो इंसान से आपको क्या प्रॉब्लम है? तो कहते बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी मम्मी का भी तो कहना बहुत सही है ना कि उनकी रिसॉर्ट बन रही है और वो प्रोफेशनलिस्ट वे में ही बननी चाहिए, उसका इंटीरियर भी अच्छा होना चाहिए, उसके लिए भी मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ? तो कहते तो काम देखो ना आप कृषा का पहले काम देख लो, उसके बाद अगर मना करो तो करो, ऐसे कैसे। तभी कृषा ने एक पेज भेजा रहता है इंस्टाग्राम का और रिव्यूज़ भेजे रहते हैं आहाना के मोबाइल पे। तो तभी आहाना एकदम से वो पेज ओपन करती है, तो इंस्टाग्राम पेज रहता है एज अ फ्रीलांसर, और नीचे पूरी उसकी वीडियोस रहती हैं इंटीरियर्स की करी हुई, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स रहते हैं और बहुत ब्यूटीफुल्स वगैरह चीज़ें सब दिखाई रहती है, और उसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी रहती है। तो वो अपने पापा की तरफ अपना मोबाइल फ़ोन को टर्न करते हुए बोलते कि लुक पापा, शी डू द वेरी गुड इंटीरियर्स, लुक एट हर पेजेस, लुक। तो वो देखने लगते हैं, और पापा गूगल पे भी तो सर्च करो कृषा इंटीरियर्स करके, तो वो कृषा इंटीरियर्स पूरा सर्च करते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिव्यू आते हैं। तभी उसके पापा बोलते हैं, सुगंधा यू हैव टू गिव अ चांस टू हर, शी इज़ अ वेरी गुड नेचर। तभी दादी बोलती हैं, बहुत हो गया सुगंधा, तुम आजकल अपने मन की मनमानी करती हो, उसके लिए रोकते नहीं है, लेकिन जहाँ मेरी पोती की बारी आएगी ना, मैं तुमसे भी लड़ लूंगी। मेरी पोती कह रही है मतलब कृषा करेगी, मतलब कृषा ही करेगी, और कृषा तुम्हारे रिसॉर्ट का सारा काम हैंडल करेगी और आहाना उससे वो काम सीखेगी। मेरी बेटी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ से आहाना इतने हंसते हुए अपनी दादी को हक करके बोलती, थैंक यू दादी, यू आर द बेस्ट दादी इन दी वर्ल्ड, थैंक यू पापा, मम्मा प्लीज़ रेडी रहिएगा। और वो अपनी मम्मी को हक करके नहीं जाती है, वो यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ से सुगंधा एकदम से गुस्से में रहती है, उसके गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसका गुस्से का लेवल ख़त्म ही नहीं होता रहता है। दूसरी तरफ जो आहाना है वो अपने रूम पर जाती है और बहुत एक्साइटेड होती है और बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे खुश रहने का उसके पास रीज़न था, क्योंकि अब वो कृषा के पास किसी ना किसी बहाने से कैसे भी करके रहना चाहती थी। यहाँ पर जब कृषा अपने ऑफिस पहुँचती है तो अन्ना को बोलती है, चलो अन्ना थैंक यू। तो कहते हैं, मैम एवरीथिंग इज़ ओके ना? तो कहते हैं, हाँ हाँ ओके। वो मैम थोड़ी सी हार्श हो गई थी आपके साथ, वैसे वो कभी हार्श नहीं होती हैं, वो बहुत स्वीट है, बट फर्स्ट टाइम मैंने देखा वो इतनी हार्श हो गई थी आपके साथ। तो कहते हैं, अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, लोग रूड ही होते हैं, बट छोड़ो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अन्ना प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो कहते हैं कि हाँ, जब तक आहाना मेरे साथ है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे प्रोटेक्ट मैं करूँगी, लेकिन जब वो मेरे साथ नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे प्रोटेक्ट करना। और मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपको, ऑर्डर तो नहीं दे सकती हूँ। तो कहते हैं, बच्चा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं उस पर पूरी नज़र रखूँगा। तो कहती है, थैंक यू। यहाँ से जो हमारी आहाना होती है, नहीं सॉरी, हमारी जो कृषा होती है वो चली जाती है, अंदर जाती है। तभी उसे सचिन मिलता है। सचिन उसे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो वो कहती है, सुन, मुझे बेस्ट से बेस्ट इंटीरियर प्रोफेशनलिस्ट इंटीरियर्स जो होते हैं ना, वो चाहिए। और अभी के अभी पोस्ट डाल और एक कंपनी हम बना रहे हैं
जिसे हम फ्रीलांसर बोलेंगे, और शॉर्ट कंपनी जिसमें हम बेस्ट से बेस्ट इंटीरियर्स को पे करेंगे। और मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे वो इंटीरियर्स चाहिए शेट्टी हाउस। उन्हें बताया जाएगा कि जो प्रोजेक्ट है वो शेट्टी एम्पायर्स वालों का है, और शेट्टी एम्पायर अपनी एक रिसॉर्ट बना रहे हैं, उसके लिए उन्हें इंटीरियर करना है। सो बेस्ट से बेस्ट प्रोफेशनलिस्ट हायर कर जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है, करीब आज का दिन है। तो कहता है, अरे तू पागल है क्या, आज का दिन मैं कैसे करूँगा। तो कहता है, मुझे नहीं पता, डू एनीथिंग, टिक फॉर टैक, डू एवरीथिंग, प्राइसेस हायर रखो, चीज़ें करो, बेस्ट से बेस्ट प्रोफेशनलिस्ट हायर कर, जो कर सकता है कर, मुझे बस टीम चाहिए। टीम में मुझे सिर्फ दो इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए, या फिर एक भी इंटीरियर डिज़ाइनर होगा चलेगा, और एक पूरा मैनेजमेंट करने वाला बंदा चाहिए जो सारे मटेरियल्स को मैनेज कर सके, जो जिससे जैसे जो भी मटेरियल चाहिए वो कम रेट में एडजस्ट करके सब कुछ कर सके। हमारे पास टाइम नहीं। तो कहती, यार तू रातों रात कंपनी खोल रही है, तू ऐसे बोल रही है। तो कहते, रातों रात नहीं, दिन में कंपनी खेल रही है, और मुझे नहीं पता तू कैसे करेगा। सचिन, तेरे इतने कॉन्टैक्ट्स है, तो डू इट समथिंग ना, स्टॉप आर्ग्यूइंग मी ऑल द टाइम। तो कहता है, तेरा प्लान क्या है। तो कहते, प्लान वही है जो मैंने तुझे बोला था, वही प्लान है। तो कहता है, यार तुझे उसे तबाह करना था, और तू उसके लिए घर बना रही है। तो कहती, जब तक ना किसी को तबाह करने के लिए ना उसके घर में घुसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इट्स अ जस्ट अ वे कि मुझे घर पे घुसना है। और मैंने तुम्हें बोला था कि सारी डिटेल्स निकालने के लिए। तो वो कहती है कि हाँ निकालिए ना डिटेल्स। तो कहते, बस उस डिटेल्स को ना तुम पढ़ोगे ना मैं पढ़ूँगी, वक्त आने पे हम साथ में बैठ के पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं उस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि डू इट राइट नाउ। तो कहता है, ठीक है मैं कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो कहता है, हाँ और सुनो, कार्तिक की भी हेल्प चाहिए, और कार्तिक की ना जो कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो कार्तिक को भी प्लीज़ इस चीज़ों में इन्वॉल्व कर। और आज का दिन है, कल हमारे पास शेट्टी का प्रोजेक्ट होगा, और वो हमें बेस्ट से बेस्ट करके दिखाना पड़ेगा। बहुत कम शॉर्ट टाइम है, काम बहुत ज़्यादा है, मैं भी यहाँ का अपने ऑफिस का काम निपटाती हूँ, और ये करना है। वैसे भी हमें रोज़ तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट का काम रहता नहीं है, तो फ्रीलांसर हम ये सब कर सकते हैं, अपनी जितनी भी टीम है उन सबको ये बात फैलाओ, चलो। और ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है कृषा। कृषा अपने बॉस के ऑफिस में जाती है, बॉस से उनको बोलती है कि ऐसा ऐसा है, वो अपनी प्रोजेक्ट्स अपना सबको सबमिट करते हैं। सर कहते हैं बढ़िया है काम, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। तभी वो बोलती है कि सर कैन यू जस्ट हेल्प मी। तो कहती है कि या, तो सर क्या आप हमारे बॉस बनना पसंद करोगे। तो कहते हैं मैं तो ऑलरेडी हूँ। तो कहता है कि सर एक्चुअली ना फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, और फ्रीलांसर काम करने के लिए ना तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो कहते नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है, और क्या तुम उसमें मुझे पार्टनर बना रही हो फ्रीलांसर के लिए। तो कहते सर आप बनना चाहोगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, बस आप जैसे एक सीनियर की हमें ज़रूरत है। एक्चुअली ना एक मीटिंग होने वाली है जहाँ पर आपको मैं एज अ बॉस खड़े करूँगी, और आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको सिर्फ फ्रंट पेज बनना है, मतलब फ्रंट फेस बनना है, वहाँ पर आप एक मीटिंग अटेंड करिएगा। तो कहते हैं मीटिंग किसके साथ है कृषा। तो वह कहते हैं कि मीटिंग एक शेट्टी एम्पायर, आपने सुना है। तो कहते हैं अरे बैंगलोर का सबसे बड़ा शेट्टी एम्पायर है, किसने नहीं सुना है। तो कहते हैं बस उनकी एक रिसॉर्ट बन रही है, वहाँ हमें एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर का प्रोजेक्ट मिला। तो कहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स किसने किया है। तो कहती है मैंने किया है सर, बट प्रैक्टिस मैं करती हूँ थोड़ी बहुत, बट नहीं है, पर वो टेंशन नहीं है, वो हम सब हैंडल करेंगे, आपको बस वहाँ पे मीटिंग करनी है, उनसे प्रोफेशनल इस तरीके से बात करना है, बताना है कि हाँ हाँ हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आपको पूरा का पूरा एक पेज हम बना कर देंगे अपनी कंपनी के बारे में, वो सब आपको बना के वो प्रोजेक्ट लेना है। एंड सर ट्रस्ट मी 10% आपके लिए होगा, सिर्फ आपकी एक मीटिंग के लिए मैं आपको 10% देने के लिए तैयार हूँ जो ये प्रोजेक्ट होगा। तो वो कहते हैं कि वैसे तो मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, लेकिन कृषा तुम्हें मना करना मतलब मुश्किल है बहुत। तो कहती है सर मैं ऐसी चीज़ें मांगती भी नहीं हूँ जो आप मुझे नहीं दे सकते, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं करना है। तो कहती बस सर हो जाएगा। तो कहते हो जाएगा, तुम भाई मुझे प्रेजेंटेशन देने भेजोगी तो वो कर लेना। अरे सर
ये आज नहीं तो 2-3 दिन के बाद होगा, लेकिन तब तक मैं आपके लिए कर दूंगी। और सर इसी काम के लिए मुझे थोड़ा सा लीव चाहिए, थोड़ा सा काम करने के लिए मैं थोड़ा काम कर लूँ। तो कहते हाँ बेटा कर लो। और ऐसे करके हुए, यहाँ पर कृषा बहुत स्मार्ट रहती है, कृषा को पता रहता है कि अगर उसे अपने ही ऑफिस का काम कम करना है और बाहर का काम ज़्यादा करना है और ऑफिस में बार बार छुट्टी लेनी है, मतलब उसे सिर्फ पंच करके जाना है और बीच के टाइम पे गायब होके आहना के साथ बिताते हुए उसका वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करना है, बहुत सारे काम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले अगर किसी को पटाया जाता है तो बॉस को पटाया जाता है। तो कृषा यहाँ पे सबसे पहले बॉस को ही पटा लेती है और उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें 10% दूंगी हर एक चीज़ के लिए, तो तुम्हें उसकी बात की क्या प्रॉब्लम है, बस आप थोड़ी सी हेल्प कर दो। और ये दिमाग कृषा का काबिले तारीफ रहता है कि अब वो अपने ऑफिस से कभी भी जाकर वो एज अ फ्रीलांसर काम कर सकती थी। और जो टॉप टॉप मैनेजमेंट्स रहते हैं कंपनी के, जो हालांकि उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो सबको इन्वॉल्व करती है ये बोलकर कि एक फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और शेट्टी अंपायर के लिए तो कोई नहीं। और अभी तक शेट्टी अंपायर का उसे मिला भी नहीं रहता है, लेकिन उसे पूरा भरोसा रहता है कि आहाना दुनिया की कोई भी ताकत लगा देगी उसके पास आने के लिए। इतना तो वो आहाना को समझ ही चुकी थी। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है, कैसे होगा, और एक्चुअल में इंटीरियर करना ये बहाना है, ये सच्ची में उसका कुछ और मोटिव्स है, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ बने रहिए स्टोरी में। बाय बाय।